आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है धन ही धन, और आज हम जांचने जा रहे हैं संभावना धन की। कहाँ पर? उच्च मंगल पर। उच्च मंगल डिफेंसिव मार्स, और इसका संपर्क किससे हो? शनि से। तो जब शनि का और उच्च मंगल का संपन्न हो, संपर्क बनता है ना, संबंध बनता है, योग बनता है, युति बनती है, तो बहुत ही शुभ परिणाम देती है, खूब संपन्नता मिलती है, खूब सफलता मिलती है। किस फील्ड में और कैसे, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी सेकंड फिंगर, इसके नीचे ये हमारा शनि पर्वत, यह फ्लैट होना चाहिए, ना डिप्रेस हो ना ओवर डेवलप्ड हो, फ्लैट कोई ऑस्पिस माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसे में हमारी भाग्य रेखा हो, कहीं से निकले, चाहे जीवन रेखा से, चाहे ब्रेसलेट से, चाहे केतु से, चाहे लूनर से, चाहे राहु से, कहीं से निकले, बस शनि पर्वत तक पहुंच जाए। ऐसे में इस उच्च मंगल से कोई रेखा आकर, मान लो इस तरह से आकर यहां जुड़ गई आपकी भाग्य रेखा में, ये ए योगी ऑलमोस्ट 52-53 के आसपास इस अवस्था में जुड़े, या इस उच्च मंगल से एक रेखा निकले और सीधी पहुंचे शनि पर्वत पर, आभास होगा पूर्व पुण्य रेखा, वो नहीं है, वो जाती है उच्च मंगल से सन माउंट की तरफ, ये जा रही है शनि पर्वत की तरफ। अब क्या हुआ, दोनों पर्वतों के गुणों का समावेश हो गया, आपकी जो ये फेट लाइन है आपको भाग्यशाली बना रही है, मतलब धन, क्योंकि शनि ना धन का कारक भी है, गंभीरता का कारक भी है, रोजगार का कारक भी है, सफलता का कारक भी है, बहुत सारी चीजें हैं शनि के पास में, न्याय का डिपार्टमेंट भी है। तो यहां से मिला आपको धन, भाग्य, और उच्च मंगल से क्या मिलता है आपको, मानसिक बल, मोरल करेज, आदमी बहुत मजबूत और साहसी होता है। अब क्या हुआ कि शनि का भाग्य मिला और यहां से मानसिक बल मिला, अब जातक उन्नति करेगा। कहां उन्नति करेगा, मंगल के पास कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, मेन तीन डिपार्टमेंट हैं, एक तो जमीन से जुड़ा हुआ काम, दूसरा भवन से जुड़ा हुआ काम कंस्ट्रक्शन, और तीसरा वाहन से संबंधित कोई काम। इन तीन क्षेत्रों में जातक अद्भुत उन्नति करेगा। कब करेगा, बस आप देख लीजिए कि ये आपकी जो ये रेखा निकल रही है ना मंगल, मंगल से इसकी आयु क्या होगी, यहाँ से आप लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ये होगी तकरीबन 40-42 के आसपास, तो जातक की जिंदगी में परिवर्तन आएगा, सफलता मिलेगी अगर वह जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करे, या भवन से कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम करे, या वाहन से रिलेटेड कोई काम करे, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तो आदमी अपार सफलता पाएगा। अपार सफलता मिली तो अपार संपन्नता भी आई, संपन्नता आई तो धन भी लाई, यश और मान भी आया। तो इस तरह से जब शनि का और उच्च मंगल का संयोग बनता है तो जातक के ऊपर धन ही धन बरसता है। उच्च मंगल प्लस शनि की युति इज इक्वल टू सफलता और संपन्नता। किस फील्ड में, जमीन, भवन और वाहन, अद्भुत तरक्की करेगा, खूब धन आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।